नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। दिन की शुरुआत आज हम करने वाले हैं साइंस विषय के साथ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है टॉपिक। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सिंगल यूज प्लास्टिक। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ अलीगंज से, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ से सुशील कुमार जी, जो कि PGT बायोलॉजी है। बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सिंगल यूज प्लास्टिक किस तरीके से देखें कक्षा 10 के लिए। वेरी गुड, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड द कॉजेटिव एजेंट इज द प्लास्टिक, स्पेशली इज द सिंगल यूज प्लास्टिक। सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लासेस एज वेल इन द प्रीवियस लेक्चर यू हैव लर्नड अबाउट some natural resources like soil, air, water, and these natural resources हमें आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और कैसे कैसे मेरी आपकी बेहतरी के लिए कहीं ना कहीं से मददगार हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ हम प्रकृति से, कुछ इस प्रकार के हमने सिंथेटिक जिन्हें हम पॉलीमर कहें, इस प्रकार के हमने पॉलीमर का ईजाद किया है। उनमें एक पॉलीमर की हम आज बात करेंगे जिसे हम प्लास्टिक कहेंगे। आप इस बात से मेरी पूर्णतः सहमत होंगे, सुबह जब आप जागते हैं और जागने से सोने तक आप पूरे दिन सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो चीज प्लास्टिक होती है। आप जब जागने के बाद सबसे पहले ब्रश करते हैं, ब्रश जो इस्तेमाल करते हैं ये प्लास्टिक का बना होता है, एक प्रकार का सिंगल यूज प्लास्टिक है। आप इसके बाद ब्रेकफास्ट लेते हैं, हो सकता है कि आपको ब्रेकफास्ट जिन भी बर्तनों में दिया जाता हो वो प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, आपके घर में स्टील के बर्तनों की अपेक्षा। इसके बाद मेरे बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, स्कूल में जब उनके लिए टिफिन में खाना पैक किया जाता है वो भी प्लास्टिक के कंटेनर में या टिफिन में ही दिया जाता है। इसके बाद वो पेन से लिखते हैं, आपने देखा होगा जो आप वेरियस पेन या जो रिफिल होती हैं वो रिफिल आप सिंगल यूज प्लास्टिक का बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने देखा होगा ये जितने भी पेन आप उपयोग करते हैं आज के दौरान इनमें जो रिफिल होती है ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, एक प्रकार का प्लास्टिक है। और हमारे बच्चे इन चीजों का उपयोग करने के बाद इसको प्रकृति में फेंक देते हैं। कुल मिला के प्लास्टिक का जब से ईजाद हुआ, प्लास्टिक जब से धरती पर आया, इसके बाद से लेके अभी तक मेरी आपकी जिंदगी चमत्कृत हो गई, मेरी आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन साथ में मुझे और आपको तमाम परेशानियां आज की डेट में देखने को मिल रही हैं, उन परेशानियों पर भी हम बात करेंगे। और उन परेशानियों के जो पिक्चर में जो उसके पीछे है वो एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। हमारे बच्चों के मन में ये बात उठ रही होगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक सर हम किसे कहेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक उस प्लास्टिक को कहेंगे जिसका हम केवल एक बार उपयोग करते हैं। आप सोचिए, आप शॉपिंग मॉल से सामान लाते हैं, उसमें आपके कपड़ों को दिया जाता है पैक करके, वो एक प्रकार का सिंगल यूज प्लास्टिक है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार का स्रोत हो गया है जिसमें प्लास्टिक को आप तक भेजा जाता है और हम जाने अनजाने उस प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ऐसे ही हम ये जो रिफिल है मेरे पास, आप देख रहे होंगे यह पेन है जो आजकल, जब मैं पढ़ता था या आपके पिताजी पढ़ते थे उसमें ऐसे पेन यूज किए जाते थे जिसमें इंक डाली जाती थी, लेकिन आज की डेट में सिंगल यूज प्लास्टिक के पेन उपयोग किए जाते हैं। इन पेनों को हम लोग एक बार उपयोग करते हैं। देखिए, एक मेरे पास नया पेन है और इस पेन को हम लोग जब लिखने के बाद फिर फेंक देते हैं। और साथ में ये जो पैकेजिंग है, कोई भी चीज की जो पैकेजिंग है, अभी मैं आपको कई चीजें आपको दिखाऊंगा, ये पैकेजिंग ये एक प्रकार का सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको हम फेंक देते हैं। ये मेरे घर में दूध या छाछ के जो सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं जो आते हैं, ये एक प्रकार का सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको हम लोग और ज्यादा क्या करते हैं, इसके साथ और ज्यादा परेशानी तब होती जब हम इसे ट्रायंगुलर शेप में काटते हैं छोटा सा और इसको अलग फेंक देते हैं। फिर ये जो पाउच है मेरा, ये कचरे में जाता है तो पाउच को कई बार सेग्रीगेट कर लिया जाता है, लेकिन छोटे छोटे ये प्लास्टिक के टुकड़े आपके घर के कूड़े के साथ सीधे सीधे पहुंच जाते हैं और पर्यावरण में कई सारी परेशानियां पैदा करते हैं। हमारे बच्चों के खिलौनों से लेके
आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, बच्चे जन्म लेने के बाद प्लास्टिक की बोतल में उनकी माँ दूध पीने के लिए उनको दे देती है, और तो और बच्चों के दांत निकालने के लिए वो लोग तीथर का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे छोटे खिलौने हैं जिनसे मैंने और आपने बचपन में जाने अनजाने खेला था, लेकिन आज की डेट में अब हम लोग सब लोग जान चुके हैं कि ये सब प्लास्टिक मेरे और आपको बीमार और बीमार करने के लिए उत्तरदायी है, मुझे और आपको परेशानियों में ले जाने के लिए उत्तरदायी है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो चाइना में सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का आजकल उपयोग हो रहा है, उत्पादन भी हो रहा है, और अमेरिका दूसरे नंबर पर है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर है भारत का नंबर आता है। और आप देख पा रहे होंगे तीनों हमने बड़े बड़े देशों की एक कंपेरेटिव पिक्चर आपके सामने दी है। ये प्लास्टिक हम लोग खिलौनों से लेके, हम लोग सुबह से लेके शाम तक जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ या अपनी बाइक से, या किसी जिस बेड पर या घर पर या किसी भी जगह हम करते हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, हम लोग प्लास्टिक से बुरी तरह से घिर चुके हैं, और ये प्लास्टिक मुझे और आपको बीमार कर रहा है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा बार बार कि मुझे और आपको या पर्यावरण को ये प्लास्टिक कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक के साथ ये एक प्रकार की हम कह सकते हैं बुरी आदत है, कि ये जैसे आपने एक प्रकार का प्रकृति में एक चक्र देखा होगा, हम कोई भी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे आपने नेचर में देखा होगा जो प्लांट होते हैं उनके जो फ्रूट होते हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम होते हैं, जो कुछ भी है हम उनको उपयोग करते हैं, उपयोग होने के बाद वो फिर जमीन पे, जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती तो फिर जमीन पे गिरते हैं, डिग्रेड होके जमीन का पार्ट होते, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। इट इज नोन एज सर्कुलर इकोनॉमी, ये सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ये बड़ी दुखद स्थिति है कि प्लास्टिक ऐसा कुछ नहीं करता है। प्लास्टिक के साथ एक परेशानी ये है कि प्लास्टिक जब से बना है तब से लेके आज तक लगभग वैसा ही है, जितना इंसान ने प्लास्टिक उपयोग किया आज तक वो प्लास्टिक एज सच धरती पर है और तमाम परेशानियों को जन्म दे रहा है। दिल्ली से लेके लखनऊ में अभी बारिश के दौरान बहुत बारिश हुई और मैंने और आपने बारिश का दीदार किया, बहुत उससे लुत्फ उठाया, लेकिन साथ में बहुत सारी परेशानियां हुई। मेरे आपके शहर में नालियां जाम हो गई, चौक हो गई, बार बार ये बात उठी, ये कैसे हुई, ये कहीं और से नहीं, मैं और आप जो प्लास्टिक उपयोग करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, उसे हम यहाँ वहां फेंक देते हैं और वो प्लास्टिक जाके मेरी और आपकी नालियों को जाम करता है। मेरे आपके जो आसपास का जो जमीन है, जो कि जहां पर पानी एक प्रकार से एब्जॉर्ब होता है, जैसे वाटर रिचार्ज होता है, अगर हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जगह जगह प्लास्टिक फेंकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक विशेषकर जिसे हम पन्नी या पॉलीथीन कहते हैं, या जो भी हमारे जैसे कि ये देखिए गुलदस्ते में लगी हुई पन्नी आती है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। किसी भी चीज को अगर आपको पैक करना है उसमें, अब ये देखिए हमने किसी का वेलकम किया, उनको बाकायदा फ्लावर दिए, लेकिन ये पन्नी भी साथ में लगी हुई थी, अब इस पन्नी को हम फेंक देंगे इस प्लास्टिक को, ये प्लास्टिक जाके जमीन पर एस सच बनी रहेगी और कई सौ सालों तक बनी रहेगी और जमीन के अंदर पानी जाने को रोकेगी, अर्थात वाटर रिचार्ज होने को रोकेगी, साथ में ये धीरे धीरे डिग्रेड होगी और जमीन में कई हानिकारक केमिकल भी छोड़ेगी। कई लोग इसको जला देते हैं, कई प्रकार के प्लास्टिक को, तो जलाना तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि जलाने से और हम परेशानियों को दावत दे देते हैं, क्योंकि जब प्लास्टिक को जलाया जाता है मेरे बच्चों, तो प्लास्टिक से बहुत सारी जहरीली गैस निकलती है जो हमारी आपकी सांस को बहुत ज्यादा दम घोंटू बना देती है, कुल मिला के आसपास के वातावरण को दम घोंटू बना देती है और हवा में कई सारी जहरीली गैसों को घोल देती है। तो इस प्रकार से ये सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या हो गया है और यही कारण है दोस्तों हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अगली साल 15 अगस्त 2022 तक ये प्रण किया गया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में कि हम अपने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करेंगे, और ये भी कहा गया है कि अगली साल जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक भारत में टोटली बैन होने जा रहा है। तो दोस्तों ये समय आ गया है मेरे बच्चों, ये समय आ गया है हम समय रहते अपनी आदतों को सुधारें और हम कहीं ना कहीं से कुछ इस प्रकार के अच्छे काम करें कि हमें और आपको इस प्रकार की जो अब कुछ मैं आपको फोटोग्राफ दिखाने जा रहा हूं, ये फोटोग्राफ हो सकता आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हमने प्लास्टिक के द्वारा अपने आसपास के नेचुरल रिसोर्स को, प्रकृति के संसाधनों को
बुरी तरह से तबाह कर दिया है। सबसे ज्यादा हमारी नदियां प्रभावित हुई हैं, सबसे ज्यादा हमारे महासागर प्रभावित हुए हैं और सबसे ज्यादा हमारे जलीय जीव जंतु और वाइल्ड एनिमल प्रभावित हुए हैं, जिनका कोई दोष नहीं है। ये धरती उनकी भी है, वो भी रह सकते थे, लेकिन ये हमारे कारनामों ने उनके जीवन को संकट में डाल दिया है। दोस्तों, आपको ये परेशानियां निश्चित ही दिखती होंगी, मुझे भी दिखती हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि मैं कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करूं, या मैं अपने घर में थर्माकोल की चीजों का कम उपयोग करूं, या मैं प्लास्टिक के बने हुए गिलास का प्लेट का कम से कम उपयोग करूं, या मैं ईयरबड का कम से कम उपयोग करूं या बिल्कुल ना करूं। हम लोग ईयरबड से अपने कान साफ करते हैं, इसके बाद हम ईयरबड को फेंक देते हैं। वो ईयरबड जाके हमारे पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी परेशानी बनता है, मैं अभी एक छोटे से एग्जाम्पल से आगे आपको बताने जा रहा हूं। जो छोटे छोटे गिलास कप तस्तरी दोने जो प्लास्टिक का हम लोग थोड़ी सी परेशानी या थोड़े से पैसे बचाने के लिए इन प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आमतौर पर प्लास्टिक और जो भी चीजें हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा सा टिकाऊ भी होता है, थोड़ा सा हल्का भी होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, सुंदर दिखाई देता है। इसलिए हम हर चीज में जहां हमें प्लास्टिक की जरूरत नहीं वहां पर हम जबरदस्ती पैकिंग करते हैं, जबरदस्ती उनको रंग बिरंगा बनाते हैं जिससे कि चीजें आकर्षक दिखाई दें, और इस कारण हम जाने अनजाने अपने वातावरण में अपने पर्यावरण में बहुत सारी परेशानियां करते जा रहे हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मैं और आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से रोज प्लास्टिक को इनहेल कर रहे हैं। एक स्टडी सामने आई जिसमें यह कहा गया कि हम और आप लोग एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक का इनहेलेशन एक साल में कर ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही एक दुखद स्थिति हमें और आपको देखने को मिल रही है। ये परेशानियां आप देखते हैं लेकिन आपको दुखती नहीं है, अब आपको दुखनी चाहिए, और दुखेंगी जब परेशानियां तो आप इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई ना कोई नवाचार करेंगे, कोई ना कोई आविष्कार करेंगे, कोई ना कोई सुझाव सुझाएंगे। और बच्चे सबसे अच्छे मैसेंजर होते हैं, उनके पास बहुत शानदार सुझाव होते हैं। तो हमारे बच्चों आप आगे आइए, और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द सी हॉर्स, ये 2018 में नेशनल जियोग्राफिक एक चैनल है, उनकी मैगजीन निकलती है, उन्होंने जो ये हमें पूरी दुनिया के सामने ये कुछ दुर्लभ तस्वीरें दी। इन तस्वीरों में देखिए ये एक सी हॉर्स है, और वो समुद्र में ईयरबड जो हम और आप ईयरबड इस्तेमाल करते, ये ईयरबड किस प्रकार से मेरे आपके घर से होती हुई और धीरे धीरे ये किस प्रकार से हमारे वाटर रिसोर्स या समुद्री सिस्टम तक या पानी या नदियों तक किस प्रकार से पहुंच जाती है, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इसमें ये किस प्रकार से ये जो सी हॉर्स हैं या फिशेज हैं जो एक्वाटिक एनिमल हैं इस प्लास्टिक का कंजप्शन करती हैं, और जो लोग सी फूड खाते हैं या समुद्र की चीजों का उपयोग करते हैं, समुद्री भोजन का उपयोग करते हैं, उनके जाने अनजाने उनके भी शरीर में ये प्लास्टिक पहुंच जाता है। ये देखिए ये हमारे वाइल्ड एनिमल हैं, इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हम आपने समुद्र के किनारे नदियों के किनारे प्लास्टिक से बने हुए नेट का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक के हमने मास्क का इस्तेमाल किया, और हम वो मास्क या चीजों को छोड़ आए, और उसके कारण ये तमाम परेशानियां हम और आप देख पा रहे होंगे। ये जो परेशानियां हैं जो आप देख रहे होंगे ये आपको जरूर अंदर तक विचलित कर रही होंगी। ये प्लास्टिक के बड़े बड़े पहाड़ दिल्ली से लेकर लखनऊ में खड़े हो गए हैं, और ये प्लास्टिक मुझे और आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। तो ये स्थिति से अगर हमें बचना है, चाहे हम पानी की बॉटल्स हों, चाहे हमारे आसपास जो भी पानी के लिए या कोल्ड ड्रिंक के लिए जो बॉटल इस्तेमाल की जाती हैं, तो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हमें इनको धीरे धीरे अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी कि इन चीजों का हम कम से कम इस्तेमाल करें। या फिर हम जो पानी की बॉटल हमारे आपके लिए एक परेशानी का सबब बन गई है, उन पानी की बॉटल को हम इस प्रकार से सजावटी ढंग से काट कर इनमें हरे भरे पौधे भी लगा सकते हैं, और इस प्रकार से हम पूरी अपनी मानवता के लिए एक बेहतरीन काम कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस पानी की बॉटल को, क्योंकि इतनी पानी की बॉटल इकट्ठी हो गई है, तो हम कहीं ना कहीं से इस प्रकार के काम भी कर सकते हैं। या फिर हम अपने आसपास पानी के बॉटल जो रोज रोज आपके हमारे घरों में ये पानी की बॉटल, हम इसमें कुछ सजावटी पौधे लगा सकते हैं।
जो ना केवल आपके घर की हवा को प्यूरिफाई करेंगे, ये एयर प्यूरिफाइंग पौधे होते हैं, ये इंडोर पॉल्यूशन को भी खत्म करेंगे, साथ में आपके आसपास का जो पानी की बोतल की वजह से जो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, इन पानी की बोतल का भी निस्तारण करने में मदद करेंगे। ये छोटी छोटी आदतों को हमें और आपको अपनाना है। हमें और आपको बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये हम प्लास्टिक उपयोग करते हैं, ये हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन से होता हुआ हमारे घर से लेके हमारी नदियों और समुद्र तक पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लास्टिक का नाम सुना होगा जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये वो प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हैं जो तिल के बराबर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये मेरे आपके जूते के सोल जब जमीन पर रगड़ते हैं तो उनसे निकलते हैं। ये मैं जब अब मैं और आप जो सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं उनको हम धोते हैं तो उनसे प्लास्टिक के टुकड़े निकलते हैं, या हम और आप लोग अपने चेहरे को साफ करने के लिए माइक्रोबीड का इस्तेमाल करते हैं तब ये माइक्रो प्लास्टिक निकलते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि जो हमारी गाड़ियों के पहिए जब सड़क पर चलते हैं तो वो सड़क पर रगड़ते हैं, उससे प्लास्टिक के कण निकलते हैं। ये हवा में भी प्रदूषण फैलाते हैं, साथ में हमारी वाटर बॉडीज में पानी के स्रोतों में भी पहुंच जाते हैं और माइक्रो प्लास्टिक के रूप में नदियों से होते हुए और समुद्र तक पहुंच जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये कहा गया है कि 2050 तक समुद्र में इतना प्लास्टिक होगा कि मछलियों की संख्या कम हो जाएगी, और दोस्तों तब बड़ी स्थिति खराब होने जा रही है, कहीं ना कहीं से सारे वाइल्ड एनिमल का जीवन भी संकट में हो जाएगा। और तो और हम और आप लोग समुद्र से नमक भी लेते हैं, तो ये एक और चिंता हो रही है कि कहीं नमक भी कहीं ना कहीं से कहीं प्रदूषित ना हो। तो क्या प्लास्टिक चिड़ियों को या हमारे वाइल्ड एनिमल हैं इनको मार रहा है? यस, हमारी चिड़ियां, हमारे वाइल्ड एनिमल, हमारे कछुए, हमारी फिशेज, हमारे सी हॉर्स, ये जाने अनजाने जो प्लास्टिक का लेटर हम नदियों तक पहुंचा देते हैं और समुद्र तक पहुंचा देते, उसमें आके ये फंस जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। तो ये अब समय आ गया है कि हमें और आपको कुछ ऐसे अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा जिससे हम प्लास्टिक की ये समस्या के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर कुछ ऐसे काम करें जिससे कि हमारे, आपने अपने आसपास देखा होगा कई बार आपके आसपास गाय के पेट में से आपने अक्सर न्यूज़पेपर में या टीवी में देखा होगा 30-30, 40-40 या 50 किलो तक भी प्लास्टिक निकला। सुशील जी, हमारे पास अंतिम 5 मिनट का समय बाकी है। जी 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 बिल्कुल। सो अगर हम देखें कि प्लास्टिक ये कहीं ना कहीं से मेरे और आपके द्वारा जो मेरे आपकी गतिविधियां हैं इन गतिविधियों से होता हुआ ये कहीं ना कहीं से हमारे जो भी जीव जंतु हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, पालतू एनिमल हैं, उन तक ये पहुंच जाता है और ये प्लास्टिक चारों तरफ फैल चुका है। और आज की डेट में ऐसी आवश्यकता हो गई है कि इस प्लास्टिक रूपी ये जो समस्या है, ये मॉन्स्टर है, ये दैत्य है, इस प्लास्टिक के दैत्य से हमें और आपको कैसे ना कैसे छुटकारा पाना है। नहीं तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये दृश्य आम होते जा रहे हैं। जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रही है, जगह जगह जानवर मर रहे हैं, और तो और हम इंसानों का जीवन भी कहीं ना कहीं से खतरे पे है। तो हम अब क्या अल्टरनेटिव अपनाएं कि इन प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल कम से कम हो? तो हम कुछ अच्छे हरे भरे काम कर सकते हैं। एक तरफ ऐसे प्लास्टिक की चर्चा हो रही है जिसे हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहते हैं, मतलब आप जानते हो कि प्लास्टिक हजारों 500 से 1000 साल तक ऐसा ही बना रहता है। तो अब ऐसे प्लास्टिक के बारे में वैज्ञानिक आगे आ रहे हैं कि जो प्लास्टिक गल जाए, इस पे शोध हो रहा है, अलग अलग प्रयोगशालाओं में शोध हो रहा है। साथ में स्टार्च बेस्ड प्लास्टिक या सोया बेस्ड प्लास्टिक, इस प्रकार के प्लास्टिक के बारे में भी अलग अलग प्रयोग चल रहे हैं। हम अपने घरों में पेपर, क्लॉथ, जूट के बैग या जूट के, देखिए इस प्रकार के बैग का इस्तेमाल करना आज की आवश्यकता हो गई है। हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, आप बढ़िया सजावटी इन बैगों का इस्तेमाल करिए, प्लास्टिक के बैगों को टाटा बाय बाय करिए। तो ये एक अल्टरनेटिव विकल्प है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए आप सब इसे अपना सकते हैं। हम अगर बाहर से सब्जी लेने जाए या घर का कोई सामान लेने जाए, इस प्रकार के कपड़े के थैले ला जा सकते हैं, इसमें हम अच्छी चीजें लिख भी सकते हैं। जैसे ये मैंने कुछ कपड़े के थैले बनाए हैं, तो इन कपड़े के थैलों में हम ये अच्छे स्लोगन भी लिख सकते हैं कि सेव वाटर, और इन प्लास्टिक के थैलों पर आप जाके अपने घर के सामान खरीदें। और अगर दुकानदार आपको प्लास्टिक की थैली दे रहा है तो प्लीज रिफ्यूज कर दें कि नहीं, हम इसको नहीं लेंगे, हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली लाइफ स्टाइल जीवन जिएंगे, हम कुछ ग्रीन डीड्स करेंगे। कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, हमें इस अर्थ को बचाना है,
और अगर हम इस अर्थ इस सुंदर प्लेनेट को बचाने में नहीं सफल हुए तो फिर हमको इतिहास माफ नहीं करेगा। हम 5 R अपना सकते हैं जिसमें से 3 R आपके सामने है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, एज वेल एज आप रिफ्यूज भी कर सकते हैं और रिपर्पज भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने नॉर्थ ईस्ट में केंद्रीय विद्यालय में काम किया, मैंने वहां पे देखा कि जो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्रास होती जिसे हम बैम्बू कहते हैं, उसके द्वारा वो बहुत सारी चीजें बनाती हैं, वो चटाई बनाते हैं, वो अपने घर के लिए अलग अलग फर्नीचर बनाते हैं, उससे वो दीपक बनाते हैं, उससे लालटेन बनाते हैं, उससे इलेक्ट्रिक की अलग अलग चीजें बनाते हैं, उससे बांस के केन पेपर से वो खाने की चीजों के लिए रखने के लिए कप प्लेट बनाते हैं। कुल मिला के वहां की आजीविका का बहुत बड़ा मिशन है। और तो और जो बॉटल्स हैं वहां पर, उन बॉटल्स के बारे में भी वो बांस की बनी हुई बॉटल्स बनाते हैं और उन बॉटल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन बॉटल में। और ये मेटल की या बांस की जो केन बेस्ड बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल को आपको टाटा बाय कहना पड़ेगा या केन बेस्ड और कॉपर बेस्ड या बेम्बू बेस्ड बॉटल्स में पानी को रखना पड़ेगा। ये हेल्दी होंगी, इको फ्रेंडली होंगी। तो ये अब समय आ गया है कि हमें मिट्टी के बर्तनों का पुनः इस्तेमाल करना है, हमें अपने आसपास जो कुम्हार लोग हैं उनके आजीविका को भी बढ़ाना है, इस प्रकार की हम बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बच्चे सबसे बड़े चेंज मेकर होते हैं, हमारे आसपास जो स्कूलों के बच्चे हैं वो सबसे आगे आए और ऐसी अच्छे हरे भरे काम करे कि ये धरती जो हो, ये धरती एक प्रकार से आपको शुक्रिया कहे, आपको एक प्रकार से आपको धन्यवाद दे कि आपने कुछ ऐसे, जैसे आप अपने घरों में ये देखिए प्लास्टिक की डलिया के स्थान पर आप लकड़ी की डलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने कहना स्टार्ट कर दिया है, मेरे बच्चे आप भी करिए। निश्चित रूप से वक्त हमारे पास इतना ही था सुशील जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहूंगा, वक्त हमारे पास इतना ही था। निश्चित रूप से आपने बहुत कमाल की बातें यहाँ पर बताई और बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा भी है कि किन किन तरीकों से हम पर्यावरण को अपने स्वच्छ रख सकते हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वो हमें ही लेनी होगी। क्योंकि बिल्कुल हम प्लास्टिक बैंक भी बना सकते हैं। और मैं बताऊं धर्मेंद्र जी, सर हमारे पास वक्त इतना ही था और इस कार्यक्रम को मुझे यहीं पर ही रोकना पड़ेगा। प्लीज प्लास्टिक बैंक का हम पॉलीब्लेंड बना के और उसको बिटुमेन के साथ मिला के हम वाटर रेजिस्टेंट रोड बना सकते हैं। तो जो ऐसे स्कूलों में इनिशिएटिव शुरू हो गए हैं केंद्रीय विद्यालयों में, वहां पर छोटे छोटे प्लास्टिक बैंक बना दिए गए हैं जिसमें बच्चे घर का सिंगल यूज प्लास्टिक जमा कर सकते हैं और उस प्लास्टिक से हम रिसाइकल करके उससे हम पॉलीब्लेंड एक मिक्सचर तैयार करते हैं। और कई सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे बेंगलोर में एक मिस्टर खान हैं जिन्होंने इस प्रकार की एक बढ़िया केस स्टडी के साथ एक अच्छा काम किया है और अब भारत के अलग बिल्कुल अलग सुशील जी मैं माफी चाहूंगा, मुझे आपको यहीं पर रोकना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही था। अगला सेशन जो है वो अल्लामा इकबाल की एक खूबसूरत नज्म है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, लैंग्वेज उर्दू से, और वहां पर हम जानेंगे हकीकत हुस्न। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बच्चों को प्रदान करें। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय करें और प्रकृति हितैषी ग्रीन डीड गुड ग्रीन हैबिट्स को अपनाएं और प्लास्टिक के प्रदूषण को दूर भगाएं। धन्यवाद, थैंक यू। निश्चित तौर पर छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी से हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ।